कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ का भरोसा नहीं रहा, इसलिए दिल्ली के नेताओं को बुलाकर घोषणाएं करवानी पड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को एहसास हो गया है कि उनकी सरकार जा रही है। वह हर दिन नई घोषणाएं करके इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि वे 40 दिन के सीएम हैं और उनकी घोषणाओं का कोई मूल्य नहीं है। अब इनको अपनी भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है, अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं। छत्तीसगढ़ को यदि मुख्यमंत्री ही लूटने लगे, कोयले में यदि मुख्यमंत्री 25 रुपया खुलेआम वसूली करने लगे, ईडी ने प्रमाणित, स्टेट के खजाने से कोई आज तक ऐसा हुआ है कि हिन्दुस्तान के इतिहास नहीं, शराब में 40% शराब अवैध बेचने का काम बिना होलमार्क शराब के दुकान में बेचने का काम, यदि ये तो पराकाष्ठा हो गई छत्तीसगढ़ में। करप्शन तो होता है, मगर ऐसा करप्शन दुनिया में कहीं नहीं होगा जहां सरकार खुद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन में इन्वॉल्व हो। तो ऐसा उदाहरण तो छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो भूपेश कर रहे हैं।